आज दुनिया में पड़ोसी का धर्म तो दूर, अपना ही धर्म नहीं जानते। जब आप अपना धर्म नहीं जानेंगे, दूसरे का धर्म नहीं जानेंगे, तो धर्म के नाम पर आप हरगलाए जाएंगे। एक समय मैं भी विचलित हो गया था इस्लाम को लेकर। इसका कारण कोई दूसरा नहीं था, इसका कारण वो लोग हैं जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया, लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं, व्याख्या की ही नहीं। कुछ आयतें जिनको अगर गैर मुस्लिम पढ़े तो उसका अर्थ पढ़ने के बाद उसको लगेगा कि ये हमारे विरुद्ध। जैसे अगर युद्ध का आदेश श्रीमद् भगवद गीता में है, तो अगर ये आदेश क्यों आया अगर ये न पता हो तो ये लगेगा कि श्रीमद् भगवद गीता में युद्ध है, ऐसी धार्मिक पुस्तक है। लेकिन वो युद्ध किसके लिए है? अन्यायियों के लिए है, अत्याचारियों के लिए है। और अब हुआ जब अन्याय और अत्याचार समाप्त करने के सारे रास्ते बंद हो गए, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा सिवा युद्ध के। तो जब अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता ना बचे, एक ही रास्ता बचे कि युद्ध, तो वो युद्ध धर्मयुद्ध होता है। लेकिन धर्मयुद्ध सदैव मर्यादित होता है। तो जो हमने आयतें देखी, उन आयतों में मुझे लगा कि ये हमारे विरुद्ध। अभी मैंने बताया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दूसरे का धर्म तो दूर रहा, अपना धर्म भी नहीं जानते, तो खुद धर्म विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। समाज के हर वर्ग के